अरे हम बढ़ाएंगे बड़ा पाव। और हमने इसके लिए क्या क्या लिया आपको हम बताएंगे। एक चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक, हरी मिर्ची मैंने इसमें डाल दी है। अब चटनी को थोड़ा हम पीस देते हैं मिक्सी में। चटनी हमारी हो गई है रेडी, और हम इसको रख देते हैं। अब हम बेसन का एक चम्मच बेसन लिया, इसमें हम घोल बना लेते हैं। इसमें जा डालेंगे हम जीरा, कड़ी पत्ता डालेंगे, आलू। हम इसको ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे आलू को। मिर्ची पाउडर, हल्का नमक एक चम्मच, आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, आधा चम्मच डालेंगे अमचूर। सबको मैं मिक्स कर देती हूँ। डालूँगी धनिया, इसको मैं ठंडे होने दूंगी। आधा चम्मच डालूंगी इसमें मैं थोड़ा नमक, हल्का चम्मच में इसमें डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर। मैं इसको हल्का हल्का पानी डालकर मैं इसको थोड़ा घोल बनाऊंगी बेसन को। जैसे मैंने इसको बीट कर लिया है, बैटर तैयार हो गया है बेसन का। मैं इसके छोटे छोटे बना लेती हूँ। ज़्यादा तेज गैस नहीं चलाऊंगी मैं, हम धीरे धीरे गैस को चलाऊंगा। तो इसमें अगर तेज चलाएंगे इसमें तो गैस पे ये गर्म होगा ज़्यादा, तो ये ज़्यादा जलने लगेंगे। मैं इसको इसलिए मैंने स्लो चला रखी है गैस को। इसको थोड़ा मैं पलट देती हूँ। हमने गैस को बंद कर दी है, अब हम इसको उतार लेते हैं। हमने एक साथ ही निकाल लिया है, अब हम इसको कट कर लेते हैं। इसमें हरी चटनी लगाएंगे हम, हरी चटनी मैंने पहले ही बनाई है। पाव भाजी बन के रेडी हो गई। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।